हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सुबह क्रैश कोर्स वीडियो सीरीज की ये हमारी 10th वीडियो है एंड आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी। ये वीडियो सीरीज आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताता हूँ बल्कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो के एंड पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड जेएसए एग्जाम में पूछे गए थे। सो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएगी। नाउ स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, ना आपको पैसे लगेंगे ना आपका टाइम वेस्ट होगा। प्लीज ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? नाउ फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। इंडिया में फिस्कल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये तो सबको पता है लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सब आपको पता होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज दैट। फिस्कल पॉलिसी की इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है? पहला ऑप्शन हमारे पास है, इट प्लेस अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बोथ फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। बिल्कुल, फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी में भी सारी जो पॉलिसीज बनती है। ठीक है, पहला हमारे पास करेक्ट। It aims to reduce the imbalance in the distribution of income and wealth. जब fiscal policy को formulate किया जाता है तो उस time पे government को ये mind में होता है welfare of the people. Okay? So, in order to reduce the imbalance in the distribution of income, fiscal policy plays a very important role. तो ये भी हमारे पास correct, पहला भी correct. फिर it helps to generate sufficient resources through direct and indirect taxes to finance the government projects. बिल्कुल, fiscal policy का बहुत ही important component है taxes. Taxes के through government revenue generate करता है, फिर उस revenue को government projects में finance किया जाता है. Okay? Hence, D option is the correct answer. Next question, which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? जब इकोनॉमी रिसेशन में हो उस टाइम पे इन में से कौन सा स्टेप उठाया जाना चाहिए? नाउ इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है? इकोनॉमिक रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जीडीपी कॉन्टिन्यूसली 2 या 2 से ज्यादा क्वार्टर्स में डिक्रीज करे। ठीक है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसेशन। नाउ पहला ऑप्शन हमारे पास है, कट इन टैक्स रेट्स। बिल्कुल, ये करेक्ट है। अकॉम्पेंड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। नहीं, इधर से आगे गलत है। जब
इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाएगा, लोग लोन कम लेंगे, यानी सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी कम हो जाएगी। ठीक है, जब इकोनॉमी रिसेशन में होगी उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है उनको क्या करना है, डिक्रीज करना है, ना कि इंक्रीज करना है। फिर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ सबसे पहले हम थोड़ा सा बजट के बारे में जानेंगे। नाउ बजट है क्या? बजट सिंपली एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमने इस साल हमारी इनकम कितनी आएगी, यानी रिसीट्स कितने आएंगे, हमने एक्सपेंडिचर कितना करना है, उसी की स्टेटमेंट को हम कहते हैं बजट। ठीक है, नाउ बजट को हम क्लासिफाई करते हैं एज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ रेवेन्यू बजट को आपने याद रखना है, रेवेन्यू बजट में अगर हम रिसीट्स की बात करें या एक्सपेंडिचर की बात करें, यहां पे ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना लायबिलिटी में कोई कमी आती है, ना कोई एसेट क्रिएट होता है, ना एसेट में कोई कमी आती है, यानी एसेट एंड लायबिलिटीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, किसमें, रेवेन्यू बजट में। ठीक है, नाउ रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, यहां पे आपने क्या याद रखा है, रेवेन्यू रिसीट में ना ही हमारे पास कोई एसेट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। ओके, सो रेवेन्यू रिसीट में हमारे पास आता है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू सभी आप जानते हो, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, एंड बहुत सारे टैक्सेस हैं। फिर नॉन टैक्स रिसीट्स, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जैसे इंटरेस्ट पे होता है इसमें लोन के ऊपर, या डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फी चार्जेस और बहुत सारे। ओके, फिर हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, नॉर्मल डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, जो डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा आता है, या मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है, ठीक है, वो किसमें आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम लोन को वापस करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर वो बनेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर मीटिंग सब्सिडीज ग्रांट एंड सो ऑन, एक चीज आपको याद रखनी है, ऑल ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ग्रांट्स किसको देगी, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को, वो सारी ग्रांट्स किसमें आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाहे फिर स्टेट्स या यूटीज उसमें क्या करें, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, अगर वो इस्तेमाल करें उसको क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, लेकिन फिर भी वो क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इस टॉपिक में से यहीं से आते हैं। उसके बाद है कैपिटल बजट। अब कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां पे लायबिलिटीज एंड एसेट के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर रिसीट्स की बात करेंगे, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या कोई एसेट को हम बेच देंगे, वहां से इनकम आएगी। जैसे लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से गवर्नमेंट लोन रेज करेगी, या बोरोइंग बाय आरबीआई, गवर्नमेंट जो है आरबीआई से बोरो करेगी, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन बोरो करेगी, या कोई डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, यानी अपना कोई एसेट बेच देगी, उससे रिसीट आ सकती है, या रिकवरीज ऑफ लोन, लोन को रिकवर करके। ठीक है, ये हमारे पास किसमें आएगा, कैपिटल रिसीट। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो एसेट क्रिएट हो जाएगा या लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, गवर्नमेंट क्या करेगी, लैंड खरीदेगी, बिल्डिंग बनाएगी, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था हमारे पास कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।
नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, इनमें से कौन सा इंक्लूड होता है इन द कैपिटल बजट। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक रोड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, बिल्कुल कैपिटल बजट में आएगा। फिर लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, बिल्कुल लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब यहां से आप कंफ्यूज मत होना, ग्रांट्स, ग्रांट्स अलग चीज है, लोन अलग चीज है, ठीक है। तो ये भी किसमें आएगा, कैपिटल बजट में। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे डेफिसिट बजट होता क्या है। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है एंड गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो कम होती है उस खर्चे से, उसी को हम कहते हैं डेफिसिट बजट। नाउ अगर हमें डेफिसिट बजट को करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां पे चार ऑप्शन है। पहला, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा कम करेगी, ये भी एक तरीका है, ओके। देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, नहीं, जब गवर्नमेंट नई वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करेगी उससे क्या होगा, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास है रैशनलाइजिंग सब्सिडीज। नाउ रैशनलाइजिंग सब्सिडीज का मतलब क्या है, इसका मतलब है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, यानी जहां पे एक्सपेंडिचर की जरूरत है, जहां पे सब्सिडीज देने की जरूरत है वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, एंड जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे खत्म करेगी, ठीक है। तो ये भी एक स्टेप है। देन एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, नहीं, जब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करेगी उससे खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो ये भी नहीं है। सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज क्लासिफाइड एज अ कैपिटल रिसीट इन द बजट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करो मेरे आंसर से पहले आप आंसर दे दो। देखो, पहला ऑप्शन हमारे पास है द रिसीट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स यानी रेवेन्यू रिसीट। फिर द बोरोइंग्स मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, जब पब्लिक से गवर्नमेंट बोरो करेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या क्रिएट होगी, लाइबिलिटीज, ओके, यानी ये हमारे पास क्या है, कैपिटल रिसीट, ओके। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पे हमने देखना है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन यहां पे द रिसीट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट फॉर इट्स डेटर, बिल्कुल जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, ओके, ये नहीं है हमारे पास। देन द रिसीट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये भी हमारे पास क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। देन द रिसीट्स फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जब गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करेगी यानी अपने एसेट्स को बेच देगी, वहां से जो इनकम आएगी वो आएगी कैपिटल रिसीट्स में, ठीक है। यानी सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी दीज रिसीट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी 2013 और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इंडिया में की जाती है, क्यों की जाती है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, इनमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट किससे पड़ता है, वो पड़ता है क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, जब न्यू मनी को क्रिएट किया जाता है वो सबसे ज्यादा
इन्फ्लेशनरी माने जाते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी इज एन एग्जांपल फॉर स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। क्वेश्चन को प्रॉपरली आराम से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा स्टेप उठाया जाएगा जब हमें इकोनॉमी को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। जैसे यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, देखो यहां पे 10 है और यहां पे पहले क्या था, 7 था। अब यहां पे हम क्या करें जिससे ये 10 बनेगा, यानी इसको हम क्या करेंगे, 3 देंगे, इसको 3 नहीं देंगे, सिर्फ इसको देंगे। ठीक है, जब हमें इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, यानी जिसको कमी है उससे उसको हम हेल्प करेंगे और जिसको ऑलरेडी है उसको हम टच नहीं करेंगे। सो मेकिंग पेमेंट्स टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स, जो अनएम्प्लॉयड होंगे उनको हम बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे, मेकिंग पेमेंट्स टुवर्ड्स पेंशन फॉर रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल, ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसको तो देना ही है, ये कोई भी मेजर नहीं है। फिर आप कहोगे, सर यहां पे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज है, ये भी आना चाहिए। देखो, जब नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट होंगी उससे सबको फायदा होगा। अब जो गरीब होंगे सिर्फ उन्हीं को फायदा नहीं होंगे, जो अनएम्प्लॉयड होंगे सिर्फ उन्हीं को फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। यहां पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो है, जब हम अनएम्प्लॉयड को हेल्प करेंगे वो भी, उसके पास भी पैसे आ जाएंगे और इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी डिडक्ट ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट वी अराइव एट कॉन्सेप्ट ऑफ। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपके साथ कुछ टर्म्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बजट डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। ठीक है, और बजट डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एंड रिसीट्स कम होती है। जब भी आपको डेफिसिट आएगा ना, आपने समझना है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, अगर सरप्लस आएगा उस केस में रिसीट्स ज्यादा होंगी। ठीक है, फिर बजट डेफिसिट ये हो गया, देन रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, यहां पे सिर्फ बात होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स की। ओके, देन हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो इफेक्टिव कब बनता है, जब इसमें से हम ग्रांट्स प्रोवाइडेड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि हमने पढ़ा था, जो सेंटर है वो स्टेट्स को क्या करती है, ग्रांट देती है एंड स्टेट उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करती है फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, जब हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरिंग, इसमें हम बोरिंग को इंक्लूड नहीं करता है, देन फिस्कल डेफिसिट शोज बोरिंग। अब ये क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपीज है। ठीक है, फिर हमारे पास टोटल जो रिसीट्स है, गवर्नमेंट को जो इनकम है विदाउट बोरिंग वो है 40 रुपीज। ठीक, अब इसको माइनस करो 60। अब ये जो 60 रुपीज है ये इसलिए कहां से आएंगे, अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है 140 तो उसको आ रहा है, टोटल रिसीट्स तो आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो 60 है ये गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा अगर उसको इस 100 को फाइनेंस करना है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है, जो 60 है वो बोरोइंग है, इसीलिए हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देंगे, यानी लोन्स के ऊपर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है वो जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास आता है प्राइमरी डेफिसिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद करिएगा, हो सकता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कैपिटल एसेट, जब रेवेन्यू डेफिसिट में से जो ग्रांट्स दी जाती है स्टेट्स को फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।
Hence, C option is the correct answer. Next question, with reference to the Government of India, which of the following is a non-debt capital receipt? सबसे पहले हम समझेंगे ये non-debt capital receipt होता क्या है. Now, capital budget में हमारे पास क्या होता है? Capital receipts and capital expenditure. ठीक है? अब receipts को हम आगे classify करते हैं as debt receipts and non-debt receipt. अब debt receipt क्या होता है? जिससे government के ऊपर liability create हो. यानी government borrow करे. कैसे borrow करे? RBI से कर सकती है. Through treasury bills and so on. उसके बाद external. IMF से, World Bank से या किसी और से borrow करे. जिससे क्या हो जाए? Liabilities create हो. या पब्लिक मनी इन स्मॉल सेविंग जैसे प्रोविडेंट फंड. अब ये प्रोविडेंट फंड क्या है इसके बारे में ज्यादा जानना आपको नहीं है. यहां पे मैंने लिखा है जब आपकी जॉब लगेगी तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना. फिर नॉन डेट रिसीट्स. नॉन डेट रिसीट में गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है. जैसे डिस इन्वेस्टमेंट, यहां पर क्या होता है? एसेट को बेचा जाता है लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है. लोन रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेट, लोन की रिकवरी, तो यहां पे भी लाइबिलिटीज में कमी हो रही है लेकिन लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है. डेट में क्रिएट होती है, यहां पे क्रिएट नहीं होती है. ओके, अब आओ क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या कहता है? यहां पे कौन सी रिसीट्स नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं? रिकवरी ऑफ लोन्स, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा. देन डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट्स, बिल्कुल. देन सिक्योरिटीज अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड, नहीं. क्यों नहीं? बिकॉज ये गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज क्रिएट करती हैं. ठीक है, ओनली वन एंड थ्री आर करेक्ट. हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट एक्यूरेटली शो द फिस्कल कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी फॉर करंट ईयर. इनमें से कौन सा डेफिसिट शो करेगा एक्चुअल फिस्कल कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी? इसका करेक्ट ऑप्शन है फिस्कल डेफिसिट. बिकॉज फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? बोरिंग्स. एंड बोरिंग शो द एक्चुअल फिस्कल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट्स आर द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तक आपके साथ मैंने डिटेल में डिस्कस किया. अब इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है. और कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, फिर आपने क्या करना है? लिखना है रेवेन्यू रिसीट्स. इसमें से जो जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसकी स्टेटमेंट लिखनी है. ओके, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है? सबसे पहले हम समझेंगे डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है. नाउ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ऐसी एक्टिविटीज पे एक्सपेंडिचर जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हो किससे? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. वेयर एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट. जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. नाउ जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. वेयर एज जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करते हैं. जैसे यहां पे मैंने लिखा है प्लान एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट एंटरप्राइज लाइक रेलवे, रेलवे के ऊपर या आप समझो रोड के ऊपर या टेलीग्राफ जो भी है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आए वो हो गया डेवलपमेंट. यहां पर डिफेंस हो गया, जुडिशरी हो गया एंड सो ऑन, उसको हम कहेंगे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. अब आओ क्वेश्चन के ऊपर. यहां पे हमने क्या बताना है? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. देखो द ग्रांट्स प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स प्रोवाइड की जाएंगी
वो उनको कैपिटल फॉर्मेशन में इस्तेमाल करेंगी, यानी दिस इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ओके, देन द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज, बिल्कुल जब सोशल सर्विसेज के ऊपर खर्चा आएगा वो भी क्या है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सर्विसेज, बिल्कुल ये भी करेक्ट। देन द एक्सपेंडिचर एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस बजट, अब डिफेंस के ऊपर जो खर्चा आएगा वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज डिफेंस डायरेक्टली डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ जो एनुअल बजट है ना वो फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, हेंस इट इज अ पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब बजट में क्या होती है, फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, सो हम ये कह सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, यहां पे भी रेवेन्यू यहां पे भी रेवेन्यू, इसका क्या आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में करना है, मैं आपको यहां पे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इजी है। अब यहां से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे जेएसए एग्जाम में, यहां से आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ आर कॉल्ड, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, किसी ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था, किसी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे क्वेश्चन को देखो, ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लेकिन गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं, वो रेवेन्यू भी होते हैं, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ओके, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपेंडिचर इज कैटेगराइज्ड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, बताओ जरा। नाउ वो एक्सपेंडिचर जिससे क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे, वो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द इरिगेशन प्रोजेक्ट। जब हम इरिगेशन प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, डेवलपमेंट पे। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली, डिफेंस इनडायरेक्टली, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट ये भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम स्ट्रेस्ड दैट कंटेनमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एसेंशियल बट द गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन की सोशल सेक्टर्स मस्ट नॉट बी कर्टेल्ड, यहां पे इंपॉर्टेंस दी जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, फिस्कल करेक्शन। अब फिस्कल करेक्शन क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे बात हो रही है गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, एक फिस्कल मेजर है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, इनमें से कौन सा डील करता है विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, बहुत ही सिंपल है, वो है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो, हाईवेज पे एसिड क्रिएट हो रहा है, स्टील्स प्लांट एसिड क्रिएट हो रहा है, पोर्ट्स यहां पे भी एसिड क्रिएट हो रहा है, देन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ पे ये क्या हमारे पास है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पे कोई भी एसिड या लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर,
अब इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 24 एंड इसका आंसर सीधा लिखना है, जो भी होगा वो आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स सो दैट दोज हु पे दीज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट डू नॉट बेयर द होल बर्डन बट पास इट ऑन होली आर पार्टली टू अदर्स आर रेफर्ड एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिन टैक्सेस को हम शिफ्ट करते हैं उनको क्या हम कहते हैं? उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहां पे मैंने टैक्सेस थोड़ा सा डिस्कस किया है, आपने ऑलरेडी अकाउंट्स में पढ़ा है इनको, यहां पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? मार्जिनल टैक्स रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम। प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीज होता है जब इनकम इंक्रीज होती है। ओके, प्रोपोर्शनल टैक्स ये कांस्टेंट रहता है, चाहे इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, प्रोपोर्शनल टैक्स कांस्टेंट रहेगा। देन रिग्रेसिव टैक्स, मार्जिनल टैक्स रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम। ये इंक्रीज तब होता है जब इनकम डिक्रीज होती है। देन डिग्रेसिव टैक्स, टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स जो पहले इंक्रीज होता है फिर एक लिमिट पहुंचने तक फिर कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये हमारे पास थे टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, पहला एड वैलोरम टैक्स, इसको इम्पोज किया जाता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। जैसे आपके पास घर है, इस घर की वैल्यू है 5 लाख, तो 5 लाख के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दी है प्रॉपर्टी टैक्सेस। उसके बाद स्पेसिफिक टैक्स, ये इम्पोज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे वेट हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, या जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल ली है RS 100 पर लीटर, लीटर के हिसाब से टैक्स लग रहा है, तो वो हमारे पास क्या आ गया? स्पेसिफिक टैक्स। फिर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जिस पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है वही टैक्स पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जिस पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है वो उसको शिफ्ट करता है। जैसे गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, वो कंपनी वालों के ऊपर लगता है लेकिन वो हमारे ऊपर शिफ्ट करते हैं, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट कैन जस्टिफाइबली रेज यूजर चार्जेस ऑन पब्लिक यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर। देखो, जब गवर्नमेंट इन सब के चार्जेस इंक्रीज करेगी, गवर्नमेंट कुछ भी करेगी वो किस में आएगा? वो आएगा फिस्कल एडजस्टमेंट। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस इज क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू JKSSB, इसका करेक्ट आंसर है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में ये अनाउंस किया था, जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर उसको खत्म कर दिया जाएगा। देन फ्रॉम 2017-18 ये जो क्लासिफिकेशन है इसको खत्म कर दिया गया एंड इसकी जगह पे जो एक्सपेंडिचर है उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू स्पेंडिंग। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन JKSSB ने किसी पुराने पेपर से कॉपी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, यानी डायरेक्टली सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालता है। इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्स विल बी कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है? तो वो है कॉर्पोरेट टैक्स। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेड ऑन द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड इन 5 ईयर प्लान्स इज क्लासिफाइड एज। नाउ ये क्वेश्चन भी JKSSB ने किसी पुराने क्वेश्चन पेपर से कॉपी किया है, बिकॉज
अब तो 5 ईयर प्लान्स नहीं है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? अकॉर्डिंग टू JKCSB इसका क्या होना चाहिए? प्लान एक्सपेंडिचर। लेकिन अब उनको पता होना चाहिए इंडिया में 5 ईयर प्लान्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बताओ जरा इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? बहुत ही सिंपल है, सेल्स टैक्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं एकदम से उनको छोड़ देते हैं। प्लीज ऐसे मत छोड़ो, थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में सोचो, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द इंटरेस्ट पेमेंट। अब हमें पता है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये आपको सब याद होना चाहिए और याद भी होगा। अब यहां पे हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट गिवन है 8,000 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, यहां से गिवन है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट निकल जाएगा। इसको इस साइड शिफ्ट करो, 8,000 यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस, इज इक्वल टू माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसको माइनस करो, आपके पास आएगा -3,000, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो यहां पे भी माइनस, इज इक्वल टू माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये माइनस कैंसल, तो आंसर आ गया 3,000। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो ही मैथमेटिकल पोर्शन दिया तो फटाफट से स्किप कर दिया क्वेश्चन। नहीं, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पता वो आपको आ जाए। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द गवर्नमेंट बजट द इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एस्टिमेटेड 10,000। इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट यहां से भी गिवन है 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। बस अब देखो इंटरेस्ट पेमेंट हमारे पास क्या है, यहां से 10,000। सिंपल सी कैलकुलेशन, 40% मतलब 40/100% का लगता है 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, या पहले ये जीरो कैंसिल करो, तो यहां पे हमारे पास बनेगा 1, 3 और 1, 0, 4 0 बन गए, ठीक है, इज इक्वल टू 4 × फिस्कल डेफिसिट, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट। अब यहां पे 4 मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो मैं यहीं पे करता हूं ऐसे, ठीक है। अब इसको इसको कैंसिल करो, तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा हमारे पास 25,000, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट भी है, इंटरेस्ट पेमेंट भी है, तो जिस तरह से हमने पीछे क्वेश्चन किया वैसे करो। देखो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, वो हमारे पास कितना है, सॉरी हम जानते हैं हमारे पास जो प्राइमरी डेफिसिट है वो हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक। फिस्कल डेफिसिट कितना निकला, 25,000 इज इक्वल टू, ये हमने निकालना है, ये गिवन नहीं है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 10,000। अब इसको इस साइड लाओ, यहां पे माइनस में यहां पे प्लस बनेगा, तो 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, ओके। तो इसको प्लस करो तो आपके पास आएगा 35,000, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर निकल गया। यहां से आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर पूछे जाए, चांसेस बहुत कम है, अगर पूछे जाए तब भी आपको गलत नहीं होने चाहिए, बहुत आसान है ये। नाउ आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। अभी ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।